दशम कक्षाया विषय संस्कृत के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सूक्तियां परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो ये जो पद्य है इसमें जो सूक्ति वाला पाठ है इसके जो पहले के पद्यांश में आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, जो शेष है उसको आज हम पढ़ेंगे, उसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। आचार्य प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत सदाचारं प्राणोभ्य अपि विशेषतः। अन्वा आचार्य प्रथम धर्म इति एतद् विदुषां वचः तस्माद् प्राणेभ्य अपि विशेषतः सदाचारं रक्षेत। शब्दार्थ समझेंगे, विदुषां यानी विद्वानों का, विद्वत जनानां, विशेषता यानी बढ़कर विशेष रूपेण। भावार्थ समझिए, श्रेष्ठ आचरण पहला धर्म है, श्रेष्ठ आचरण पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का क्या है, ऐसा विद्वानों का वचन है, ऐसा कहना है, इसलिए प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। हमको प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये है पाठ अभ्यास के अंतर्गत एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, जो पिता है पुत्र को बचपन में क्या देता है, क्या देता है, विद्या धनम, विद्या रूपी धन। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है, विद्या रूपी धन। फिर है विमूढ़ धीहि कीदृशं वाचं परित्यजति, परित्यजति माने होता है त्यागना, तो मूर्ख कैसी वाणी त्यागता है, धर्म धर्म प्रसादम, मूर्ख कैसी वाणी त्यागता है, धर्म प्रसाद, जो वो बोलता नहीं है तो त्यागता है, धर्म प्रसादम। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्ता पकीर्तततः, इस संसार में कौन सी ही नेत्रों से युक्त कहे गए, इस संसार में कौन ही नेत्रों से युक्त कहे, वो है विद्वान, विद्वांसः, कौन है, विद्वांसः। चलिए प्राणों भी अपि कह रक्षिण्या, प्राणों से भी कौन रक्षा के योग है, सदाचारः, कौन है, सदाचारः, सदाचारः। आत्मना श्रेया इच्छन नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्, अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य कैसे कर्म ना करे, अहितम, अकल्याणकारी कर्म नहीं करना चाहिए। वाची किम भवेत, वाणी में क्या हो, तो क्या हो, अवक्रता, सरलता। अब यहां देखिए स्थूल पदानि आधृत प्रश्न निर्माण कृत, विमूढ़ति पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंकते, का पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंकते। अब यहां पर देखिए कैसे अपन इसको प्रश्न का निर्माण होगा। संसारे विद्वांस ज्ञान चक्षु नेत्रवंत कथयन्ते, संसार में विद्वान ज्ञान चक्षुओं से नेत्र वाले कहे जाते हैं। प्रश्न निर्माण क्या आएगा, संसारे के, क्या दिया यहाँ पे, संसारे के, है ना, ज्ञान चक्षु भी नेत्र बनता कथयन्ते, संसार में कौन ज्ञान चक्षुओं से नेत्र वाले कहे जाते हैं। फिर है जनकेन सुताय शैश्वे विद्याधनम दीयते, तो पिता के द्वारा पुत्र को बचपन में विद्याधन दिया जाता है। प्रश्न निर्माण क्या आएगा, जनकेन कस्मै शैश्वे विद्या धनम दीयते, पिता के द्वारा किसको बचपन में विद्या धन दिया जाता है। फिर है तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्यः, वास्तविक अर्थ का निर्णय विवेक के द्वारा कर सकते हैं। प्रश्न निर्माण देखिए, कस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्यः, यानी किसका निर्माण, क्योंकि अपन को यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न का निर्माण, तो किसके, किसका निर्णय विवेक के द्वारा कर सकते। फिर है धैर्यवान लोके परिभवम ना प्राप्तनोति, धैर्यवान यानी संसार में तिरस्कार, धैर्यवान संसार में तिरस्कार नहीं पाता। प्रश्न निर्माण क्या आएगा, धैर्यवान कुत्र परिभवम ना प्राप्तनोति, यानी धैर्यवान कहां तिरस्कार नहीं पाता। आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेषाम अनिष्टम ना कुर्यात्, अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य दूसरों का बुरा, कल्याणम इच्छम नरः केषाम अनिष्टम ना कुर्यात्,
यानी अपना कल्याण चाहने वाला मनुष्य किनका बुरा ना करे। अब यहां देखिए पाठा चित्वा अधोलिखता नाम श्लोका नाम अन्वय उचित पद क्रमेण पूर्यत। तो ये जो श्लोक दिए गए हैं उचित शब्द के क्रम से उसको पूरा करना। जैसे पिता, तो यहाँ क्या है, पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति अस्य पिता किम तपहते पे इत युक्ति तत् कृतज्ञता। दूसरा येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय एन कर्तुम शक्या भवे सा विवेकः इति ईरितः। फिर है यह आत्मनः श्रेया प्रवृत्ति प्रभुतानि सुखानि च इच्छति परेभ्यः अनहितम कर्म कदापि ना कदापि च न कुर्यात्। अब यहां देखिए अधोलिखित अधोलिखित शब्दा नाम पुरता उचित विलोम शब्द कोष्टा चित्वा लिखित। नीचे लिखे शब्दों के आगे उचित विलोम कोष्टक से चुनकर लिखना है। जैसे ये शब्द है विलोम शब्द पक्वः, तो क्या आ जाएगा यहां पर अपक्वः। विमूढ़ति सुधी, क्या आएगा सुधी। कातरः अकातरः। कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता। आलस्यम उद्योगः उद्योगः। परुषा कोमला, है ना। इस प्रकार से आपको ये क्या करने हैं जो दिए गए हैं शब्द उनको लिखना है। अधोलिखित शब्दानाम त्र समानार्थकः शब्दः मंजूषाया चित्वा लिखन्यताम। नीचे लिखे शब्दों के तीन समानार्थक शब्द मंजूषा से चुनकर आपको क्या करना है लिखना है। जैसे दिया है लोचनम नेत्रम और भूरी, है ना। तो इसमें आपको फिर दिया है शुभम मनः आननम संसद वदनम, ठीक है ना। और इस प्रकार जो तीन समानार्थक मंजूषा से चुनकर लिखना है, तो जैसे दिया है पहला प्रतिभूतम, तो इसका आएगा भूरी विपुलम बहु। क्या आएगा उत्तर, प्रतिभूतम का भूरी विपुलम बहु। श्रेया का क्या आएगा, शुभम शिवम कल्याणम। चित्तम मन सम मनः और चेतः। सभा परिषद सभा संसद। सभा के कितने हैं, इसको परिषद और सभा और संसद। और चक्षु का तो क्या आएगा, लोचनम नेत्रम और नयनम। मुखम आननम वक्त्रम और बदनम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द दिए गए हैं ये सब के क्या है, आपको यहां पर क्या लिखना है, समानार्थक शब्द लिखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार प्रतिभूतम श्रेयम चित्तम सभा चक्षु मुखम, तो ये इस प्रकार से आएंगे। चलिए अध्यस्तात् समास विग्रह दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठ पाठाधारेण दीयन्ताम। नीचे समास विग्रह दिए उनके समस्त पद पाठ के आधार पर दीजिए। ये विग्रह है, समास पद है और समास का नाम। जैसे तत्वार्थ तत्वार्थस्य निर्णयः, तो समस्त पद क्या आएगा, तत्वार्थ निर्णयः षष्ठी तत्पुरुष समास। बाची पटुः वाक् पटुः सप्तमी तत्पुरुषः। धर्म प्रददाति इति ताम धर्म प्रदाम उपपद तत्पुरुषः। ना कातरः अकातरः न्यंज तत्पुरुषः। ना हितम अहितम यानी न्यंज तत्पुरुष समास। महान आत्मा येषां महात्मानः, ये बहुव्रीहि समास। विमूढ़ाधि यस्य सः विमूढ़ाधि, ये कौन सा समास आएगा, बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से इसको पूरा करना है। चलिए इस प्रकार आपको मैंने यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर हैं